बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने अपना लिए ब्रेकफास्ट बनाना था, सोचा आप लोगों से भी शेयर किया जाए। मैंने ये ब्रेड लिए, चीज़ें बॉयल्ड अंडे हैं, वेजिटेबल और पिज़्ज़ा सॉस या केचप ले लें, और बहुत ईजी बनता है। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी कर लें। ये देखें, मैंने ये ब्रेड को थोड़ा सा फैन में, इसको मीडियम आंच पे बिल्कुल ही हमें थोड़ा सा टोस्ट कर लेना है ताकि थोड़ा सा फ्राई हो जाए और फिर हमारा अच्छा सा ये बेक होगा। अच्छा, मैं ओवन में ये बनाऊंगी और आप तवे पे भी आप बना सकते हैं, बहुत इजी ये बनाना और ये बहुत जल्दी नाश्ता बन जाने वाली हमारी रेसिपी है। तरफ से हल्के से टोस्ट हो जाए और इसी पे फिर थोड़ा से फैन में मैंने ऑयल एड कर दिया है। आप बटर भी ऐड कर सकते हैं जिनको बटर पसंद है। थोड़ी सी मैंने प्याज चॉप ऐड कर दिए, यानी जितने आपको अपने अपने ये ब्रेड उतने ही आप अपने हिसाब से आप लीजिएगा। मुझे 3 या 4 अदद मैं बनाऊंगी तो उस हिसाब से मैं ले रही हूँ ये। तो थोड़ी मैंने प्याज ले ली है और मैंने ये स्पाइसी थोड़ी हरी मिर्च ऐड की है। आप चाहें तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। और ये मैंने थोड़ी सी टमाटर भी ऐड की है ताकि अच्छा सा स्पाइसी से बने हमारा ये ब्रेड। और ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी बंद गोभी भी ऐड कर दी है, थोड़ी बारीक काट के। और ये बॉयल गाजर है और ये भी मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है ताकि इसका भी टेस्ट अच्छा आए और ये हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है, आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है गाजर। अच्छा, ये मैंने थोड़ा ये सोया सॉस ऐड किया है 1 चम्मच के करीब, थोड़ा सा नमक, क्योंकि सोया सॉस में रेली वैसी नमक होता है, तो नमक थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा। और ये मैंने काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर दिया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, आप इसी में चिकन भी ऐड कर सकते हैं, मुझे चिकन नहीं खानी थी इसलिए मैंने ये इसमें ऐड नहीं की। आप अगर सुबह अच्छी लगती है थोड़ा मीट वगैरह खाना तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये आप देखें, ये वेजिटेबल मैंने थोड़े से ये सोते करने हैं, ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, क्योंकि हमें यानी कि पिज़्ज़ा बनाना हो या कोई चीज़ बेक करनी हो तो उसे थोड़ा सा सोते करके हम बेक करें तो बहुत जल्दी बन जाता है। क्योंकि इससे ये होता है कि हम जब चीज़ ऊपर ऐड करते हैं तो वो जल्दी मेट हो जाती है और अंदर हमारी सब्ज़ियाँ कच्ची रह जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको कुक कर लेते हैं हल्का सा सोते करके। और अच्छा, चले अब इस पर हम ऐड करेंगे अपनी सारी चीज़ें। जैसे कि आप देख रहे हैं जिस ओवन की जो ट्रे है उस पर मैंने ग्रीस कर लिया है पहले से ही बटर से, ऑयल से, जैसे भी कर लें आप। और उस पर मैंने डाल दिया है ये डाला है पिज़्ज़ा सॉस। आप केचप भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको केचप का फ्लेवर अच्छा लगता है। दोनों में मैंने अच्छी तरह लगा दिया है। और फिर जो मैंने आपके सामने वेजिटेबल थोड़े से सोते किए थे, सोया सॉस, हल्का सा नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड करके, ये वही है। और गाजर को मैंने बॉयल करके ऐड किया था, कच्चा नहीं। और इसी पे मैंने वेजिटेबल के बाद ये बॉयल्ड अंडे हैं वो ऐड कर दिए हैं। मैं अगर आपको चिकन पसंद है तो फिर आप चिकन ऐड करिएगा अंडे की जगह, सही है। ये एक भी मैं सारे बॉयल्ड लगा दिए हैं। और मैंने ये जो चीज़ पहले से ही कद्दूकस करके रखी हुई थी वो भी सारी मैंने ऊपर से लगा दी है इसके ऊपर। जितनी आपको लेनी है उतनी आप ऐड कीजिएगा। और हल्की सी मैंने कुटी हुई मिर्च ऐड की है ताकि मुझे स्पाइसी थोड़ा चाहिए। और मैंने ये एरोगानो भी थोड़ा ऐड कर दिया, इसका भी टेस्ट इसके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। और बस ब्रेड मैंने पहले से ओवन करके रखा हुआ था अपना, और ये 3 या 4 मिनट में हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी कुक हुई हुई हैं, बस थोड़ी ये मेल्ट हमारी चीज़ हो जाए और हल्का सा ये थोड़ा सा कुक हो जाए तो फिर ये हम इसे बाहर निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। ये मेरा 3-4 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गया है चीज़। आप देख सकते हैं कितनी मेल्ट अच्छी तरह हो गई है। और ये हमारा अच्छा सा ब्रेकफास्ट जल्दी बन जाता है। और पराठा अंडा खाने बनाते हैं कभी, ऐसा भी आप बना के देखें तो टेस्ट अलग हो जाता है और बोर हो जाते हैं हम एक ही चीज़ खाने से। तना तना की रेसिपी हम ट्राई करें और बनाएं, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है प्लीज़ वो मेरा सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।